गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ऐसा उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे। आज हम अध्ययन करेंगे मौलिक अधिकार के बारे में। कल हमने पार्ट वन में अध्ययन किया था जो अनुच्छेद 14 से लेकर के हम जो अनुच्छेद अध्ययन किए थे 24 तक, ठीक है। आज हम अध्ययन करेंगे अनुच्छेद 35 तक, ठीक है। तो इसमें क्या क्या आता है हम उसको देखते हैं। तो कल हम तीन सूचियों को अध्ययन किए थे। मौलिक अधिकार की छह शेड्यूल थे, छह शेड्यूल में हमने तीन शेड्यूल का अध्ययन किया था। आज हम जो शेड्यूल को अध्ययन करेंगे उसको देखते हैं। पहला है या चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता। पांचवा है शिक्षा और संस्कृत की स्वतंत्रता, छठवां है संवैधानिक उपचार, ठीक है। तो हम इन सब चीज़ों के बारे में अध्ययन करेंगे आज। तो सबसे पहले हम देखते हैं धार्मिक स्वतंत्रता क्या है, इसमें कौन कौन से अनुच्छेद आते हैं। तो इसमें जो आता है अनुच्छेद 25 आता अंतःकरण की स्वतंत्रता। 26 में धर्म के प्रबंध की स्वतंत्रता, करों के संदाय से छूट। और 28 में है अनुच्छेद सरकारी शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा पर प्रतिबंध, ठीक है। इसमें 25 में क्या है अंतःकरण की स्वतंत्रता है, 26 में धर्म के प्रबंध की स्वतंत्रता, 27 में करों के संदाय से छूट है, और 28 में सरकारी शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा पर प्रतिबंध। तो हम सबसे पहले एक एक आर्टिकल को डिस्कशन करेंगे। तो इसमें क्या है अंतःकरण की स्वतंत्रता। सबसे पहले हम देखते हैं धार्मिक स्वतंत्रता है क्या। तो धार्मिक स्वतंत्रता, भारत ने देश और विदेशी नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता दे करके अपने आप को धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया है, ठीक है। देशी और विदेशी नागरिकों को धर्म की स्वतंत्रता दे करके अपने आप को धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया है, ठीक है। उसके अंतर्गत निम्नलिखित स्वतंत्रताएं आती हैं। तो सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे अंतःकरण की स्वतंत्रता, आर्टिकल 25 में अंतःकरण की स्वतंत्रता है। इसमें क्या है, किसी भी धर्म को मानने, अपनाने या धर्म का प्रचार करने या फिर किसी भी कर्मकांड को करने की स्वतंत्रता है। इसमें हम किसी भी धर्म को परिवर्तन भी कर सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन आया था उसमें ये कहा गया था कि आप धर्म परिवर्तन अगर लोभ और लालच देकर करा रहे हैं या कर रहे हैं तो वह धर्म परिवर्तन नहीं माना जाएगा। कर्मकांडों की बातों को अगर देखा जाए तो कर्मकांड की जो स्वतंत्रता है, कर्मकांडों की स्वतंत्रता में दो चीज़ें आती हैं। एक आती है लोक व्यवस्था, दूसरी आती है लोक स्वास्थ्य, ठीक है। ये दोनों संस्था आती हैं इसके अंतर्गत, कर्मकांड के अंतर्गत। जब भी कोई कर्मकांड किया जाता है, जैसे अगर सिख धर्म के लोग अपने साथ कृपाण रखना चाह रहे हैं तो उनकी एक धार्मिक स्वतंत्रता उनको रखने दिया जाएगा, लेकिन हिंदू धर्म के अंतर्गत यदि वे नर बलि देना चाहते हैं तो लोग स्वास्थ्य के विरुद्ध है, इसको करने नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तो आर्टिकल 25 में यही कहा गया है। अब हम अध्ययन करेंगे आर्टिकल 26, इसमें कहा गया धर्म के प्रबंध की स्वतंत्रता।
ठीक है। तो धर्म के प्रबंध की स्वतंत्रता क्या है इसको देखते हैं। इसमें क्या है, कोई भी व्यक्ति, धार्मिक व्यक्ति या धार्मिक शिक्षण, धार्मिक संस्थान, धार्मिक व्यक्ति और धार्मिक शिक्षण संस्थान, धार्मिक संस्थान, धार्मिक संस्थान धर्म के प्रबंध की व्यवस्था कर सकता है, ठीक है। लेकिन अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि उसका जो, वे जो जिसके अंतर्गत उसका निर्माण हुआ है वह संसदीय अधिनियम के अंतर्गत हुआ है, इसलिए वह ऐसा नहीं कर सकता है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, ठीक है। अब हम अध्ययन करेंगे करों के संदाय से छूट, आर्टिकल 27, आर्टिकल 27। तो इसमें क्या कहा गया है, किसी भी धर्मावलंबी को, जो धर्म को मानता है, को प्रचार प्रसार करने के लिए उसके ऊपर कर या टैक्स नहीं लगाया जा सकता, कर अथवा टैक्स नहीं लगाया जा सकता, ठीक है। उसको उसमें छूट दी जाएगी, जैसे जो टैक्स लगाए जाते थे धार्मिक कर, जैसे जजिया कर, जकात कर, इस टाइप का कर नहीं लगाया जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद हम देखेंगे आर्टिकल 28, इसमें क्या कहा गया है, सरकारी शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा पर प्रतिबंध। अगर सरकारी शिक्षण संस्थान है तो धार्मिक शिक्षा पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। इसके अंतर्गत क्या कहा गया है, धार्मिक शिक्षण संस्थानों में, इसमें जो कहा गया है, धार्मिक शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा तो दी जा सकती है, धार्मिक शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा तो दी जा सकती है, लेकिन उसकी प्रार्थना में पार्टिसिपेट करने के लिए किसी को बाध्य नहीं किया जाएगा, ठीक है। लेकिन उसकी प्रार्थनाओं में भाग लेने के लिए किसी को बाध्य नहीं किया जाएगा। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इससे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। आर्टिकल 25 क्या है, आर्टिकल 26 क्या है, आर्टिकल 27 क्या है, आर्टिकल 28 क्या है, ठीक है। अब हम अध्ययन करेंगे शिक्षा और संस्कृति का अधिकार, शिक्षा और संस्कृति की स्वतंत्रता। तो इसमें क्या आता है आपका, आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 आते हैं, शिक्षा और संस्कृति का अधिकार, शिक्षा और संस्कृति का स्वतंत्रता, ठीक है। शिक्षा और भारत में जो अल्पसंख्यकों को दो प्रकार से दर्जा दिया जा सकता है, एक धार्मिक और एक शिक्षा के, शिक्षा के आधार पर, एक धर्म के आधार पर धार्मिक अल्पसंख्यक, धार्मिक अल्पसंख्यक, एक धर्म के आधार पर धार्मिक अल्पसंख्यक, और दूसरा है, पहला धर्म के आधार पर धार्मिक अल्पसंख्यक, दूसरा भाषा के आधार पर भाषाई अल्पसंख्यक, ठीक है। भारत में दो प्रकार के अल्पसंख्यक होते हैं, पहला है धर्म के आधार पर, दूसरा है भाषा के आधार पर, ठीक। तो इसमें क्या आता है, आर्टिकल 29 आता है, आर्टिकल 29 आता है, इसमें अल्पसंख्यक के बारे में बात की गई है, अल्पसंख्यकों को, आर्टिकल 29 में अल्पसंख्यकों को, अल्पसंख्यकों को, अल्पसंख्यकों को भाषा, लिपि और संस्कृत की स्वतंत्रता प्राप्त है, या को बनाए रखने की स्वतंत्रता प्राप्त है, जो भी कह सकते हैं, अल्पसंख्यकों को भाषा, लिपि और संस्कृत को बनाए रखने की स्वतंत्रता प्राप्त है। पूछा जाता है किस आर्टिकल के अंतर्गत इसको रखा गया है, या किस आर्टिकल के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को भाषा, लिपि और संस्कृत की स्वतंत्रता प्राप्त है, तो आर्टिकल 29 है। अब आर्टिकल 30 देखते हैं, आर्टिकल 30 देखते हैं, अल्पसंख्यकों को शिक्षण संस्थान खोलने की स्वतंत्रता है, ठीक है। उसमें वे 50% अपने समुदाय के लोगों को रख सकते हैं, ठीक है। और वे उसमें वे 50% तक अपने समुदाय के व्यक्तियों को रख सकते हैं,
और सरकार जब भी कभी उनको अनुदान देती है, तो वे इस आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे कि ये शिक्षण संस्थान अमुक समुदाय के हैं, ठीक है। तो वे भेदभाव नहीं करेगी कि हिंदू संस्थान है, मुस्लिम मुस्लिम समुदाय है या फिर सिख समुदाय है, ठीक है। इस आधार पे वे भेदभाव नहीं करेगी, वे अनुदान देगी, डोनेट करेगी। अब हम आर्टिकल 32 को देखते हैं। आता है संपत्ति का अधिकार 31 के अंतर्गत, लेकिन इसको हटा दिया गया, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया है, इसको क्या बनाया गया है, कानूनी अधिकार बनाया गया है, ठीक। अब हम आर्टिकल 32 को देखते हैं, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है। आर्टिकल 32 में कहा गया है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, तो यह सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है। यह अन्य सभी मौलिक अधिकारों की ये रक्षा करता है, अनुच्छेद 32 जो 17 मौलिक अधिकार हैं उन सभी की ये रक्षा करता है, ठीक है। तो इसमें न्यायालय उन अधिकारों की रक्षा करने के लिए न्यायालय 5 प्रकार की रिट जारी कर सकती है। वे रिट कौन कौन सी हैं, न्यायालय जो रिट जारी करती है उसमें पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा है परमादेश, तीसरा है उत्प्रेषण, चौथा है अधिकार पृच्छा, पांचवा है प्रतिषेध। ये 5 टाइप की रिट होती हैं। इन पांचों रिटों के अभाव में, मौलिक अधिकार की रक्षा अन्य मौलिक अधिकारों की रक्षा नहीं हो सकती है। इसीलिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की प्रस्तावना कहा, संविधान की आत्मा कहा। डॉक्टर अम्बेडकर ने आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा कहा, लेकिन सामान्यतया या सामान्य तौर पर प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहते हैं। दो चीज़ें कभी कभी आती है, अगर पूछा जाए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अंतर्गत या डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा किसे कहते हैं, तो आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा कहते हैं। अगर पूछा जाए सामान्य तौर पर संविधान की आत्मा किसे कहते हैं, तो प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहते हैं, ठीक। अब हम अध्ययन करेंगे आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13, ठीक है। आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13 को हम अध्ययन करेंगे, आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13। राज्य की परिभाषा बताई गई है, और इसमें विधि की परिभाषा है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है सब। आर्टिकल 12 में राज्य की परिभाषा बताई गई, आर्टिकल 13 में विधि की परिभाषा बताई गई है। मौलिक अधिकार जो प्राप्त हैं वे राज्य के विरुद्ध प्राप्त हैं, क्योंकि मौलिक अधिकार का खतरा हमेशा राज्यों से ही है, इसलिए आर्टिकल 12 में राज्य की परिभाषा बताई गई है, ठीक है। मौलिक अधिकार राज्य के विरुद्ध प्राप्त हैं, इसलिए खतरा किससे रहता है, राज्य से ही रहता है, इसलिए आर्टिकल 12 में राज्य की परिभाषा बताई गई है कि इससे खतरा ना हो, ठीक है। अनुच्छेद 13 में क्या है, विधि की परिभाषा, राज्य की विधि के माध्यम से ही मौलिक अधिकारों को छीना जाता है, इसलिए आर्टिकल 13 में विधि की परिभाषा को बताया गया ठीक है। राज्य के अंतर्गत जो आते हैं, आती है कार्यपालिका
न्यायपालिका, विधायिका, विधायिका, सरकारी नियम, सरकारी नियम, विश्वविद्यालय, इत्यादि राज्य के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। और राज्य की विधि के अंतर्गत क्या आते हैं? नियम, अध्यादेश, आदेश, ठीक है। राज्य की विधि के अंतर्गत नियम, अध्यादेश, अधिनियम, आदेश इत्यादि चीज़ें आती हैं। और इससे अगर लगता है किसी को कि मौलिक अधिकारों की रक्षा नहीं हो पा रही है, या किसी विधि के माध्यम से लगता है कि किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, तो न्यायालय उस विधि को शून्य घोषित कर सकती है, या कर देगी, कह सकती नहीं, कर देगी, ठीक है, उस विधि को शून्य घोषित कर देगी। इसी को न्यायिक पुनर्विलेखन की शक्ति कहते हैं, इसी को न्यायालय को न्यायिक पुनर्विलेखन की शक्ति कहते हैं, ठीक है। इसलिए संविधान की जो रक्षा कहता है, न्यायपालिका को संविधान का रक्षक कहते हैं। संविधान की रक्षक किसको कहते हैं? न्यायपालिका को। न्यायपालिका संविधान की रक्षा करती है, ठीक है। तो 12 और 13 में हो गया। अब हम एक आर्टिकल बचा है, आर्टिकल 35, और बंदी जो 5 प्रकार की रिटें हैं उसको हम बाद में अगले पार्ट में डिस्कशन करेंगे। इसके बाद हमारा जो आता है, मौलिक अधिकार को रोकता कौन है, या फिर प्रतिबंध कौन लगाता है, मौलिक अधिकारों को प्रतिबंध कौन कौन लगा सकता है, और किन किन आर्टिकलों पे लगाता है मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध, ठीक है, मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध, मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध, ठीक है। तो दो इसमें दो चीज़ें आती हैं, एक आता है राष्ट्रपति, एक आती है संसद, ठीक है। राष्ट्रपति जो है आपातकाल की स्थिति में, राष्ट्रपति जो है आपातकाल की स्थिति में, आपातकाल की स्थिति में आर्टिकल 20 और 21 को छीन सकता है। कब छीन सकता है? जब आपात कोई हो, राष्ट्रीय आपात हो, या वित्तीय आपात हो, या कोई, तीन आपात होते हैं, तीनों आपात में कोई भी आपात लागू होता है, तो राष्ट्रपति 20 और 21 को छीन सकता है। 20 और 21 में क्या है? 20 में दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण, और 21 क्या है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। ये कभी भी नहीं छीन सकता है, कोई भी नहीं छीन सकता है, कुछ भी हो जाए देश में, इस दोनों आर्टिकल को कोई छीन नहीं सकता है, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे संसद हो, चाहे प्रधानमंत्री, कोई नहीं छीन सकता, ठीक है। और संसद जो प्रतिबंध लगाती है, कौन कौन से आर्टिकलों में प्रतिबंध लगाती है उसको देखते हैं। संसद जो आर्टिकलों में प्रतिबंध लगाती है वो आर्टिकल 33 है और 34 है। दो आर्टिकल में संसद प्रतिबंध लगाती है, वे कौन कौन से हैं? संसद सार्वजनिक और इंटेलिजेंस ब्यूरो, इंटेलिजेंस ब्यूरो के मौलिक अधिकारों को छीन सकती है, ठीक है। संसद आर्टिकल 33 के अंतर्गत संसद सार्वजनिक और इंटेलिजेंस ब्यूरो के मौलिक अधिकारों को छीन सकती है। अगर ये लगा कि आर्टिकल कुछ होने की संभावना है, तो संसद आर्टिकल 33 का प्रयोग करके इन दोनों के अधिकारों को छीन देगी कि आप जांच मत करिए या कुछ काम मत करिए। अधिकार क्या है इनके, मौलिक अधिकार क्या है, जो उनके पद के अनुसार मिलता है उस पर जाँच पर रोक लगा देगा, ठीक है। तो आर्टिकल 34 में क्या है? आर्टिकल 34 में देखते हैं, संसद मार्शल ला, जब किसी क्षेत्र में मार्शल ला या सेना विधि लागू हो,
जब किसी क्षेत्र में मार्शल लॉ या सेना विधि लागू हो तो वहाँ पर संसद वहाँ के लोगों का मौलिक अधिकार छीन लेगी। ठीक है, जब कहीं पर किसी क्षेत्र में मार्शल लॉ या सेना विधि लागू है तो वहाँ के क्षेत्र के लोगों का संसद मौलिक अधिकार छीन लेगी, लेकिन 20 और 21 को छोड़ करके सभी मौलिक अधिकार को संसद छीन लेगी। ठीक है, तो 20 और 21 किसी भी कंडीशन में क्या होता है, छीना नहीं जाता है। 20 और 21 किसी भी कंडीशन में छीना नहीं जाता है। अब हम देखेंगे मौलिक अधिकार प्राप्त किसको है, देशियों विदेशियों को कौन कौन से मौलिक अधिकार प्राप्त है। मौलिक अधिकार प्राप्त, ठीक है, भारतीय नागरिकों का और विदेशी नागरिकों की तुलना में किसको, भारतीय भारतीय नागरिकों को सभी मौलिक अधिकार प्राप्त है, सभी मौलिक अधिकार प्राप्त है। ठीक है, भारतीय नागरिकों को सभी मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। ठीक है, और विदेशी नागरिकों को देखते हैं कौन कौन से मौलिक अधिकार प्राप्त हैं विदेशी नागरिकों को। ठीक है, विदेशी नागरिकों को कौन से मौलिक अधिकार प्राप्त हैं, आर्टिकल 14 और आर्टिकल 20 से लेकर 28 तक, 20 से 28 तक आर्टिकल 14, आर्टिकल 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, आर्टिकल 14 और आर्टिकल 20 से 28 तक सभी मौलिक अधिकार किसको प्राप्त हैं, विदेशियों को प्राप्त हैं। इसका मतलब आर्टिकल 15 विदेशियों को नहीं प्राप्त है, आर्टिकल 16 नहीं प्राप्त है, आर्टिकल 17 नहीं प्राप्त है, आर्टिकल 18 नहीं प्राप्त है, आर्टिकल 19 नहीं प्राप्त है, आर्टिकल 29 और 30 नहीं प्राप्त है, आर्टिकल 32 नहीं प्राप्त है, आर्टिकल 33, 34, 35 नहीं प्राप्त है। ठीक है, ये सब आर्टिकल उनको नहीं प्राप्त हैं। ठीक, अब हम अध्ययन करेंगे मौलिक अधिकारों से संबंधित वाद कौन कौन से हैं, मौलिक अधिकारों से संबंधित कौन कौन से वाद हैं। ठीक है, तो पहला कौन सा है वाद में, गोलकनाथ वाद। ठीक है, गोलकनाथ वाद में कहा गया था कि मौलिक अधिकारों में, या गोलकनाथवाद में न्यायालय ने कहा था कि मौलिक अधिकारों में संशोधन संसद कर सकती है। ठीक है, गोलकनाथवाद में न्यायालय ने कहा था कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है, लेकिन केशवानंद भारतीवाद में न्यायालय ने कहा, केशवानंद भारतीवाद में न्यायालय ने कहा कि मौलिक अधिकारों में तो संशोधन कर सकती है, लेकिन मूल ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती, लेकिन मूल ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती, ये उन्होंने केशवानंद भारतीवाद में कहा। फिर वाद गया मिनर्वा मिल्सवाद में न्यायालय ने केशवानंद भारती वाद की प्रक्रिया को दोहराया। ठीक है, तो हमने आज क्या क्या पढ़ा, धार्मिक स्वतंत्रता पढ़ा जिसमें 25 से 28 तक था, उसके बाद शिक्षा और संस्कृति संबंधी अधिकार पढ़े जो 29 और 30 में था, संवैधानिक उपचारों का अधिकार पढ़े जो किस में था, अनुच्छेद 32 में था, आर्टिकल 33 और आर्टिकल 34 को भी हमने अध्ययन किया। तो हम एक बार अध्ययन कर लेते हैं सभी मौलिक अधिकारों को। आर्टिकल 25 में क्या था, अंतःकरण की स्वतंत्रता, आर्टिकल 26 में था धर्म के प्रबंध की स्वतंत्रता, आर्टिकल 27 में
करों के संदाय में छूट थी। आर्टिकल 28 में सरकारी शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा पर प्रतिबंध। आर्टिकल 29 अल्पसंख्यकों को भाषा लिपि और संस्कृत को बनाए रखने का अधिकार। आर्टिकल 30 था अल्पसंख्यकों को शिक्षण संस्थान खोलने का अधिकार है। आर्टिकल 31 में था संपत्ति का अधिकार, जो कि मौलिक अधिकार अब नहीं है, वो कानूनी अधिकार है। आर्टिकल 32 में था संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसमें 5 प्रकार की रिट थी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे। उसमें क्या था, परमादेश, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण, प्रतिषेध, ठीक है, अधिकार परीक्षा, 5 टाइप की रीतें थी। इसी में डॉक्टर अम्बेडकर ने आर्टिकल 32 को ही संविधान की आत्मा कहा है, और सामान्य तौर पर संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहा जाता है, ठीक है। और उसके बाद हमने आर्टिकल 33 पढ़ा और आर्टिकल 34 पढ़ा। आर्टिकल 33 में क्या है कि संसद सार्वजनिक और इंटेलिजेंस ब्यूरो के मौलिक अधिकारों को छीन सकती है, इन अधिकारियों के मौलिक अधिकारों को छीन सकती है। आर्टिकल 34 में कहा गया है, जिस क्षेत्र में मार्शल लॉ या फिर सैनिक विधि लागू हो, वहाँ पर संसद वहाँ के लोगों को मौलिक अधिकार छीन सकती है, लेकिन 20 और 21 को छोड़ करके। ओके, थैंक यू।